यार ये आज बकरियों वाला फिर आ गया। रोजाना इसको समझाता हूँ, फिर आ जाता है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। जाके इसे समझाता हूँ। ओ चरवाही इधर आना। हैं? ये मौलवी क्यों बुला रहा है? चलो जाकर उसकी बात सुनता हूँ। मौलवी क्यों बुलाया मुझे? बकरा क्यों चरा रहा है कब्रिस्तान में? इससे तुझे क्या मसला है? तेरे बाप का कब्रिस्तान है। ना तेरे बाप का है ना मेरे बाप का है, हम सब मुसलमानों का है, हम सब ने यहाँ पर आना है। बच्चे कब्रिस्तान का एहतराम करना चाहिए और कब्रों का भी एहतराम करना चाहिए, ना कि उनकी बेहरमती करनी चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ बस पहुँचने वाला हूँ। अभी एक को समझा रहा था, दूसरा वो देखे कब्रिस्तान में जूते पहनकर जा रहा है। बच्चे बात सुनना। ठीक है मैं आ गया। कुछ शर्म करो यार, कब्रिस्तान में जूते पहनकर घूम रहे हो। बाबा पता नहीं क्या मारकर इधर नहीं आना। बाबा मैं थोड़ा जल्दी में था, गलती हो गई। ऐसा नहीं करना। ठीक है मैं चलो जाओ। ठीक है पागल उस्ताद, जल्दी करो वो कब्रिस्तान का रखवाला मौलवी ना आ जाए। ओ बेवकूफो क्या कर रहे हो उस्ताद? वो देखो मौलवी आ रहा है, बुला रहे हमें। ओहो मौलवी आ गया। बेवकूफ लोगों को शर्म करो, दरख्त लगाने की बजाय दरख्त काट रहे हो। मौलवी साहब घर में लकड़ियां नहीं थी, इस वजह से काटने पर मजबूर हुए हैं। कहीं से खरीद लेते या किसी और जगह से जाके काट लेते। लकड़ियां उठाकर दफा हो जाओ, आइंदा नहीं आना इधर। यार मुसलमानों का हाल चेक करें, कोई बकरियां चरा रहा था, कोई लकड़ियां काटने आ जा रहा है, कोई जूते पहनकर आ जा रहा है, कोई शर्म करनी चाहिए हम सबको। हम सबको कब्रों और कब्रिस्तान का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन हम सब ने यहाँ जाना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा।